बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए फ्रोज़न लच्छा पराठा की रेसिपी लेके आया हूँ। ये ऐसी चीज़ होती है कि एक दफ़ा बना के आपने फ्रीज़ कर लेना है और फिर पूरा महीना इसको जब आपका दिल चाहे फ्रीज़र से निकालें और इस तरह से पका कर खा लें। बहुत आसान है बनाना। एक एक लच्छा इसका जो है सेपरेट होगा, बहुत ही क्रिस्पी होगा और अहम बात ये कि ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। फ्रीज़र के अंदर आप इसको 2-3 महीने तक भी सेव कर सकते हैं। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने फाइन आटा लिया है, वाइट आटा जो होता है, आप चक्की का आटा भी ले सकते हैं। 4 कप लिए हमने, तकरीबन 3 पाव। तो 1 टीस्पून इसमें नमक आ जाएगा और ये है चीनी 1 टेबलस्पून। इससे ये मीठा नहीं होगा बल्कि इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। इसमें आप घी ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, ये लें जी। और यहाँ पे आपने क्या करना है, 1 चम्मच लेना है, चम्मच के साथ इसकी कर देनी है मिक्सिंग। और यहाँ पे आपने पानी नहीं इसके अंदर डालना, तो पानी आप डाल सकते हैं लेकिन अगर आप इसको दूध के साथ गूंधें तो सुभान अल्लाह, बहुत ही सॉफ्ट और मलाई जैसे पराठे बनते हैं। इस दूध को पहले आपने अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है, ठीक है, फिर आपने इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाके फिर इससे आटे को गूंदना है। तो यहाँ पे वैसे ही हमारा जो रेगुलर तरीका होता है, पहले चम्मच के साथ हम मिक्सिंग करते हैं ताकि हाथों के साथ ये चिपके ना, और उसके बाद हम इसको गूंद लेते हैं। बहुत अहम स्टेप है कि किस तरह से आपने फ्रीज़ करना है, किस तरह से बाद में यूज़ करना है, सभी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आपने कंप्लीट एंड तक देखना है, ठीक है, कोई एक भी सेकंड आज आपका मिस नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह पूरा रमज़ान आप बग़ैर सहरी में पराठे बनाएं, ये पराठों का मज़ा ले सकते हैं, मतलब कि निकाले और पका लिए। इसको रेस्ट दे देते हैं 10 मिनट की और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे चूंकि हमने लच्छेदार पराठे बनाने हैं, बहुत ही आसान है, हाथों को हम लगा लेंगे थोड़ा सा खुशका और नॉर्मल से साइज का एक पेड़ा बना लेंगे। ये ले जी, खूबसूरत सा गोल गोल सा हमारा जो पेड़ा है वो तैयार है। और इसी तरह हम सब पेड़े बना लेंगे और पेड़े बना लेने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसके जो लच्छेदार पेड़ा होता है वो कैसे बनाना है। सबसे आसान तरीका जो है ना वो मैं आपको बताऊंगा। हल्का सा यहाँ पे डस्टिंग कर देते हैं आटे की और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे। लच्छा पराठा बनाने के 5-6 तरीके हैं, मेरी रेसिपी है चैनल्स पे, 5-6 तरह के जो लच्छे पराठे मैं बना चुका हूँ, लेकिन सबसे आसान ये वाला है। ये जिसको थोड़ा सा और बड़ी कर लेते हैं इस रोटी को। यहाँ पे गुलाई की कोई टेंशन नहीं, जैसी मर्जी हो। ये है हमारे पास घी 1 टीस्पून। घी इसके ऊपर आपने लगा के अच्छी तरह से फैला देना है और उसके बाद एक उंगली से, ये देखें जैसे वाइपर काम करता है ना, उस तरह से आपने करना, बहुत आसानी के साथ पूरी आपने इस रोटी के ऊपर लगा देना है। और उसके बाद जस्ट आपने नीचे से इसकी फोल्डिंग करते जाना है। बारीक फोल्डिंग हो, मोटी फोल्डिंग नहीं होनी चाहिए, इससे लच्छे जो है ज़्यादा अच्छे बनेंगे। ये देखें थोड़ा सा इसको आप खींच के लंबा कर देते हैं ताकि जो लच्छे हैं वो बारीक बने, ना कि बहुत मोटे मोटे बने। ठीक हो गया। अब एक साइड से आपने इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। देखें कुछ भी मुश्किल नहीं है, जस्ट कह लें कि इतने सारे पराठे ना आप अगर बनाना शुरू करें तो 10-15 मिनट में बन जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड वाली जो टेल है उसको बड़ी करके आपने इस तरह से अंदर डाल देना, ठीक है। अगर ये साइड पे आपने रखा तो इससे पराठा ख़राब हो जाता है। चलें जी, अब आपने इसको हल्का सा ऑयल या घी लगा के इसको आपने स्टे दे देना है। कम से कम 10 मिनट का स्टे इस पेड़े को आपने ज़रूर देना है। उससे क्या होता है, इसमें एक ठहराव आ जाता है और लच्छे जो हैं वो अच्छे बन जाते हैं। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर हम रुमाल देते हैं और मिलते हैं तकरीबन 10-15 मिनट बाद। तो चलें जी, अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने इसको सेव करना है, मतलब कि किस तरह से हम इसको फ्रीज कर सकते हैं। तो ये लें जी, आपने हल्का सा खुशका लगाना है और उसके बाद पेड़े को थोड़ा सा थपथपा दें, थोड़ा सा चपटा कर लें, दोनों तरफ आपने खुशका लगाना है ताकि जो रोलिंग पिन है वो इसके ऊपर जमे ना, इसके ऊपर चिपक ना जाए। अच्छा, यहाँ पर अहम बात मैं आपको बता दूँ कि ये जो पराठा होता है जब आपने इनको फ्रीज़ कर लेना है, फ्रीज़र से निकालना है 10 दिन बाद 15 दिन बाद, तो आपने डायरेक्ट तवा गरम पहले रखना है, ठीक है। जैसे इसको निकालना है फौरन ही आपने इसको पका लेना है। वेट नहीं करना कि ये पहले मेल्ट हो, पहले सॉफ्ट हो फिर आप पकाएं, ऐसा करेंगे तो ये नरम पड़ जाएगा, ठीक है। ये है हमारे पास बटर पेपर यानी कि बेकिंग पेपर, इसके ऊपर हल्का सा घी ऑयल लगा देंगे, थोड़ा सा बस, ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं लगाना आपने। और उसके बाद ये जो हमने पराठे बनाए हैं इसके ऊपर आपने तह दर तह रखते जाना है, एक रखना है पहले, उसके बाद जब आपने दूसरा रखना है उससे पहले आपने हल्का सा इसको ग्रीस कर देना। ग्रीस करने के बाद दूसरा बटर पेपर या बेकिंग पेपर इसके ऊपर लगा देना है। इसकी जगह आप शॉपर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ये इसलिए है ताकि एक दूसरे से जुड़े ना और आप सेपरेट करके जब भी आपका एक दिल चाहे आप एक निकाल सके। इसी तरह से सभी हमने ये देखें 10 से 15 जो पराठे हैं वो तैयार कर लिए हैं। इसको एक प्लेट में रख के आपने डायरेक्ट फ्रीज़र में रख देना है और ये बहुत ही जल्द जो है फ्रीज़ हो जाएंगे। उसके बाद आपको जब चाहिए हो आप एक निकाल के डायरेक्ट तवे के ऊपर पका लें। ठीक है, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये लच्छा पराठा कैसा बना है। तो ये लें जी, हाई फ्लेम के ऊपर हम इसको पकाते हैं और दोनों साइड से देखते हैं कि लच्छे किस तरह से निकलते हैं। एंड पे मैं आपको ये खोल के भी दिखाऊंगा पराठा के ये कैसा बना है। चलें जी पलटते हैं इसको। इस तरह से पराठे को घुमाते रहते हैं ताकि हर तरफ जो हीट है वो एक जैसी लगे, ये नहीं कि कहीं से जल गया कहीं से कच्चा रह गया। तो यहाँ पे घी लगाएंगे, घी में ये अच्छा लगता है, घी का टेस्ट करारा होता है काफ़ी। और फाइनल इस साइड को हम पलटते हैं और देखते हैं कि लुक कैसी आई है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बढ़ते हैं जो उसने हमारे हाथों में हमारे खानों में। चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आइए डालते हैं इसको फाइनल प्लेट के अंदर और देखते हैं इसकी क्या लुक आती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह देखें जी, ये है जन्नत का नज़ारा और इससे खूबसूरत, इससे क्रिस्पी और इससे मज़ेदार कुछ और हो ही नहीं सकता। तो अभी अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर दीजिए, एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट जरूर कीजिएगा आज कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।